खरगोन जिले में कोरोना को मात देने के लिए कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत 21 जून से की जा रही है, जिसके पहले दिन 15,000 डोज का लक्ष्य रखा गया है। इसी के चलते खरगोन विवेकानंद सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वैक्सीनेशन के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करके अभियान को सार्थक बनाकर लक्ष्य पूरा करने के लिए जिला पंचायत के CEO गौरव बनेल ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस अवसर पर अपर कलेक्टर BL सोलंकी, SDM सत्यन सिंह, CHMO DS चौहान सहित पत्रकार मौजूद रहे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मंगलवार और रविवार दो दिन को छोड़कर बाकी सभी दिनों पर वैक्सीनेशन का आयोजन किया जाएगा, सत्रों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य रूप से इस टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत वैक्सीन की उपलब्धता और अधिक की गई है और अधिक वैक्सीन प्राप्त होगी, और ऐसी अपेक्षा है कि और ज़्यादा उत्साह और ज़्यादा एनर्जी के साथ में इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। कुछ बेसिक जानकारी मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। कल यानी कि 21 जून को जिले में 194 सत्र आयोजित किए जाएंगे पूरे जिले में। ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में होंगे। शासन से जो कल का वैक्सीनेशन का टारगेट मिला है वो कुल 15,000 का मिला है, यानी कि कल 21 जून को हमको 15,000 वैक्सीन पूरे खरगोन जिले में लगाना है। हालांकि जिले से जो प्लानिंग की है वो 20,000 वैक्सीन की हम लोगों ने की है, यानी कि 194 जो सत्र आयोजित किए जा रहे हैं उसमें 20,000 वैक्सीन हम लोग लगा दें, इसकी हमारी तैयारी है। कल के बाद जो शेष दिवस हैं, यानी जैसा मैंने आपको बताया मंगलवार जो रूटीन इम्यूनाइजेशन का दिन होता है उसको छोड़कर, और रविवार जिस दिन मॉपअप राउंड होगा उसको छोड़ करके 23, 24, 25, 26, 28 और 30, ये हर एक दिन प्रति दिवस डोज का जो टारगेट है वो 11,300 का है, यानी कि ये सभी दिनों पर 6 दिनों पर 11,300 वैक्सीन का टारगेट हमको रहेगा। इस अभियान के दौरान दूसरी डोज और नए पात्र लोगों को प्राथमिकता होगी। देखिए, कल से टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ किया जा रहा है, जो कल से लेकर के 21 जून से लेकर के 30 जून तक चलेगा। इसमें मंगलवार और रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिनों पर नियमित रूप से टीकाकरण के सत्र आयोजित किए जाएंगे। कल यानी कि 21 जून को 15,000 का लक्ष्य हमें प्राप्त है और बाकी दिनों में 11,300 का लक्ष्य प्राप्त है। अपील लोगों से यही है कि जो टीकाकरण सत्रों की सूची है उसको देख लें, वहाँ अधिक से अधिक जनसंख्या में पहुँचें और अपना अपना टीका लगाएं। खास करके 45 प्लस जो लोग हैं, जो आयु वर्ग के हैं, उनको ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर वो पहले लगवा लें। तो हालांकि 18 प्लस और 45 प्लस दोनों को हम टीका लगाएंगे। अपील यही है कि अधिक से अधिक लोग पहुँचें और टीका लगवाएं, अपने नज़दीकी जो भी उनका टीकाकरण सत्र उनको पास में है वहाँ पहुँचें और अपना टीका लगाएं। आदर्श केंद्र भी बनाए हैं। देखिए, कुछ आदर्श केंद्र बनाए हैं, टोटल 44 आदर्श केंद्र पूरे जिले में बनाए हैं। वहाँ पर कोशिश है कि जो वृद्धजन है या दिव्यांगजन है उनको बेहतर व्यवस्था मुहैया कराई जाए और अधिक बेहतर व्यवस्था सभी लोगों को उपलब्ध कराई जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।